सर रोहित शर्मा एक देखें वो ब्रांड है एक, उसने अपना नाम बना चुका है, 2 डबल सेंचुरियां उसने बनाई हुई हैं, ठीक है। और आप उसे क्या चाहते हैं, वो अगर आप उसको उसके बल्ले पे बॉल दोगे और इन विकेट्स के ऊपर आप उसको अच्छी लाइन लाइन पे बॉल नहीं करोगे तो वो किधर आपको छोड़ेगा। ठीक हो, ये एक बेहतर टीम है जो उन्होंने प्रेशर अपने ऊपर मैच हावी नहीं किया। अफगानिस्तान जितनी मर्जी स्ट्रॉन्ग टीम है, उन्होंने अगर वो अपने ऊपर प्रेशर हावी करते तो उन्होंने हार जाना था। यही पाकिस्तानी टीम को नसीहत है कि जितनी मर्जी स्ट्रॉन्ग टीम हो अपने ऊपर उनका प्रेशर ना ले। अगर मैं कहूं बाबर आजम और रोहित शर्मा बेस्ट कैप्टन कौन है, कौन किसको कहेंगे? यार इन्हीं से नारा करो नहीं क्या, थोड़ा सा करना पड़ेगा आपको, परफॉर्मेंस देखनी है हमने, हमने पाकिस्तान इंडिया ने देखना, हमने परफॉर्मेंस देखनी है। परफॉर्मेंस के लिहाज से तो रोहित शर्मा। आज इंडिया ने अफगानिस्तान को मैच हरा दिया, क्या कहेंगे इसमें? सर जी इंडिया और अफगानिस्तान का तो आपस में कोई कंपैरिजन है ही नहीं, बनते ही नहीं है, पहली बात ये है, ठीक है। और दूसरी बात ये है कि इस पूरे वर्ल्ड कप के अंदर ना अगर जो सबसे डोमिनेटिंग टीम्स नजर आ रही हैं वो ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और इंडिया है, क्योंकि इंडिया के पास बैट्समैन तो अच्छे हैं ही हैं लेकिन इसके साथ साथ स्पिनर्स बहुत अच्छे हैं, ठीक है। और पाकिस्तान को इसी चीज़ की जो सी है ना वो लैग कर रही है। यहाँ पे आपको रोकूंगा, माजरत, आपने कहा कि इस टाइम जो है इंडिया फेवरेट चल रही है, लेकिन हम एक टाइम की बात कर ले तो कहा ये जाता था इंडिया के पास सिर्फ बैटिंग है, बॉलिंग नहीं है, लेकिन इंडिया ने एशिया कप से अपने आपको प्रूफ करके बताया कि मेरे पास बॉलिंग भी है। क्या वजह है कि वो हर फील्ड में अच्छा खेलते हैं, हम हर फील्ड में प्रेशर में आ जाते हैं? सर इसकी वजह ये है ना, सबसे पहले ये तो देखें कि एशिया कप था श्रीलंका के अंदर, बिल्कुल ठीक है, वहाँ पे पिचेस मुख्तलिफ थी, यहाँ पे इंडिया पे फ्लैट पिचेस हैं और टर्निंग विकेट्स हैं, ठीक है, होम ग्राउंड है, छोटी बाउंड्रीज हैं, तो छोटी बाउंड्रीज का उनको सबसे ज्यादा एडवांटेज है क्योंकि उनका होम ग्राउंड है, साथ स्पिनिंग विकेट्स है, वो किधर किसी को खड़ा होने देंगे। सर आपको क्या लगता है कि कोई टीम ऐसी है जो हरा पाएगी इंडिया को? क्यों नहीं हरा सकती, इंग्लैंड और न्यूजीलैंड दोनों ही फेवरेट्स हैं। लेकिन सर ऑस्ट्रेलिया भी एक टीम मानी जाती है, उसे भी उन्होंने पकड़ लिया था। सर ऑस्ट्रेलिया वो देखें पहला मैच है, वो बाहर से आए हैं, टेम्परेचर का फर्क है, पिचेस का फर्क है, लेकिन उन्होंने उससे पहले 3 मैच की सीरीज खेल ली थी इंडिया में वर्ल्ड कप से पहले, वो भी तो देखे ना हार चुके हैं ना, वो भी हार गए, लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता वो गेन करेंगे। ऑस्ट्रेलिया का हमेशा से जितने भी वर्ल्ड कप आप निकाले ना तो स्टार्टिंग ऑस्ट्रेलिया स्लो ही करती है, ठीक है, इतना वो शुरू से पहाड़ की तरह नहीं चढ़ती, वो आहिस्ता आहिस्ता चढ़ती है, जब क्वालिफाइंग मैचेस आते हैं तो उसमें ऑस्ट्रेलिया नहीं बात आती। सर क्या लगता है कि भारत अगर फॉर एग्जांपल 14 तारीख को पाकिस्तान इंडिया का मैच है, भारत अगर टॉस जीत के बैटिंग कर लेता पाकिस्तान पकड़ पाएगा उसको? सर बैटिंग अगर भारत शुरू में पहले करता है ना तो फिर बहुत मुश्किल है, क्योंकि अगर वो टारगेट दे देते हैं जैसे अभी श्रीलंका ने दिया 340+ का, ठीक है, अगर इसी तरह इंडिया 340+ का टारगेट दे देती है तो पाकिस्तान एक बहुत हाई प्रेशर गेम है, क्राउड सारा उनका, तो प्रेशर ये हैंडल नहीं कर सकेंगे, ठीक है। सर जिस तरह साउथ अफ्रीका ने पीछे 400+ का चेस दिया था, टारगेट दे दिया था, अगर इंडिया दे दे पाकिस्तान को इतना तो क्या लगता है कि हम पकड़ पाएंगे? नहीं हो सकता ना, 400+ सवाल ही नहीं पैदा होता। अभी श्रीलंका से मैच भी जो जीते हैं हम, शुरू के अंदर वो मतलब के लाइन लेंथ पे बॉलिंग करते रहे, ठीक है, तो आपका रन रेट उन्होंने नहीं बढ़ने दिया। हाँ। आप 10 ओवर देख लें, 20 ओवर तक देख लें, जब उसके बाद लाइन लेंथ उन्होंने हटाई है तो तब आपने थोड़ा रन रेट को किया है, इंडिया तो आपको इस तरह की लाइन लेंथ नहीं देगी, ठीक है। सर हम भारत की बात कर लें, अगर 14 तारीख को हमारा मैच है, हमारी बॉलिंग लाइनअप हम रिलाई करते थे शहीन पे, शहीन को मारना शुरू कर दिया, हम रिलाई करते थे हारिस रऊफ पे, हारिस रऊफ को मारना शुरू कर दिया, हसन अली कुछ परफॉर्म कर रहा है, क्या लगता है हमारी बॉलिंग चलेगी? मैं आपको बताता हूँ इसके बारे में, हमारी बॉलिंग का इस टाइम मेन इशू शहीन शाह अफरीदी नहीं है ना कोई और फास्ट बॉलर है, सबसे बड़ा मेन इश्यू ये है कि हमारे जो मिडल ओवर्स है ना, ठीक है, जो 10 से लेके तकरीबन 35-40 तक के ओवर्स हैं, ठीक है, इसके अंदर हम विकेट नहीं निकाल रहे, ये पिछले एक साल से यही चल रहा है कि हमारे स्पिनर्स दरमियान के मिडल ओवर्स के अंदर कोई विकेट नहीं निकाल रहे, हमारी विकेट सारी निकलती हैं या शुरू के ओवर्स में या आखिरी ओवर्स के अंदर, और वो भी फास्ट बॉलर ही निकाल रहे हैं। तो शहीन शाह अफरीदी ने भी लास्ट मैच में अगर देखे ना आप तो उसकी बॉलिंग पे कैच ड्रॉप हुआ, अगर वो कैच हो जाता तो श्रीलंका ऑटोमेटिकली प्रेशर में आ जाता, ठीक है, तो इतना स्कोर। सर हम तीनों फॉर्मेट्स में लो जा रहे हैं, बैटिंग हमारी लो, फील्डिंग हमारी लो, बॉलिंग हमारी लो, क्या कसूर है? बैटिंग हमारी अब कदरे बेहतर है, उसकी वजह यह है कि दो आपने टीम के अंदर ना प्रॉपर बैट्समैन आपने रखे हैं जो टेस्ट
मैच की बैट्समैन है, ठीक है, एक अब्दुल्ला शफीक और दूसरा साउथ शकील। बिल्कुल साउथ शकील देखें आप, जितनी भी वो शॉट्स खेल रहा है, अब्दुल्ला शफीक जितनी भी शॉट्स खेल रहा है, वो प्रॉपर क्रिकेटिंग शॉट्स खेल रहा है, उसने कोई भी लॉफ्टेड शॉट। हमारे पास चार नाम है, साउथ शकील, अब्दुल्ला, रिजवान और चाचा, जो हमें परफॉर्म करके दे रहे हैं इस टाइम इंडिया का। अगर मैं बाबर कहाँ पे, पांच स्कोर दस स्कोर, पांच स्कोर दस स्कोर, आप पांच दस को छोड़ो, रोहित शर्मा ने कैप्टन इनिंग खेली है सर, बेशक उसने खेली है, लेकिन आप बाबर को किसी भी मैच से ना बाहर नहीं निकाल सकते। आप जितना भी पुराना रिकॉर्ड निकाल लें, बेशक आप जो मर्जी उसको कहते रहेंगे, छोटी टीमों के साथ खेलता रहे, ये करता रहे, वो करता रहे, लेकिन उस बंदे ने बाबर एक मैच में स्कोर करता है, चार पांच में फिर चुप हो जाता है सर। चार पांच में अगर इस तरह चुप करता होता तो नंबर वन तो ना होता है सर। आप नंबर वन हिस्ट्री उठा के देख लेना, हमारी इनिंग, हमारी सीरीज किन किन के साथ हुई है, देखे जिनके साथ भी हुई है, आपकी टीम को बिल्ड करने वाला वो बंदा है सर। मानते हैं उस जैसा बैटर कोई नहीं है पाकिस्तान में, ठीक है, उस जैसा दुनिया भी मानती है, उस जैसा ड्राइव कोई नहीं मारता, ठीक है, लेकिन अगर मैं कैप्टन इनिंग की तरफ आऊं, एक तरफ आज रोहित ने 130 प्लस मार दिया, ठीक है, कैप्टन देखें रोहित शर्मा ने अगर 130 प्लस मारा ना, तो कोई भी बैट्समैन है ना, मैं खुद भी क्रिकेट खेलता रहा हूं एक वक्त में, तो बैट्समैन ठीक है वो परफॉर्म कर रहा है, लेकिन उस 80% 70% जो नॉन स्ट्राइकर एंड पे होता है ना बैट्समैन, उसके ऊपर बहुत ज्यादा रिलाई करता है बैट्समैन। बिल्कुल ऐसे ही उसने खिलाना होता है। बाबर शुरू में आता है, उसको साथ सपोर्ट नहीं मिलती, ठीक है, जितने भी अभी देखें फखर है, वो शुरू के अंदर ही वो मोमेंटम बिल्ड ही नहीं कर पाते कि वो बाबर आए तो उस चीज को कैरी कर सके, ठीक है, मानता हूँ कि इस टाइम अभी उससे मोमेंटम खुद नहीं बन रहा, लेकिन आने वाले मैचेस में देखें, अभी वर्ल्ड कप के कितने मैचेस और पड़े हैं, 6-7 मैचेस और पड़े हैं, हमारे 7 मैचेस पड़े, 7 मैचेस आप पड़े हैं, 7 मैचेस के अंदर देखें आप, साउथ अफ्रीका की टीम है, ऑस्ट्रेलिया की टीम है, हर मैच में तो हर बैट्समैन ही ना चलता, ठीक है, तो किसी ना किसी मैच में चलेगा, कैप्टन इनिंग्स खेल लेगा वो, ठीक है, हो सकता है अगले इंडिया पाकिस्तान के मैच में। लास्ट में मुझे ये बताएं कि रोहित शर्मा के आज कैप्टन इनिंग पे क्या कहेंगे सर। रोहित शर्मा एक देखें वो ब्रांड है, एक उसने अपना नाम बना चुका है, 2 डबल सेंचुरियां उसने बनाई हुई हैं, ठीक है, और आप उसे क्या चाहते हैं, वो अगर आप उसको उसके बल्ले पे बॉल दोगे और इन विकेट्स के ऊपर आप उसको अच्छी लाइन लेंथ पे बॉल नहीं करोगे तो वो किधर आपको छोड़ेगा। ठीक हो, अच्छी बात है, उन्होंने मैच जीत लिया, वो अपनी परफॉर्मेंस है, उनकी मेहनत भी, उन्होंने मैच जीता सर। कहा यह जाता था कि आज इंडिया पे थोड़ा सा प्रेशर होगा क्योंकि कल पाकिस्तान जीत गया, तो इंडिया पे ये प्रेशर होगा क्योंकि उन्होंने अपनी रन डिसाइड करनी है, लेकिन इंडिया ने बगैर किसी प्रेशर के ये मैच को जीत लिया। क्या लगता है कि इंडिया एक बेहतर टीम है? इंडिया एक बेहतर टीम है जो उन्होंने प्रेशर अपने ऊपर मैच हावी नहीं किया। अफगानिस्तान जितनी मर्जी स्ट्रॉन्ग टीम है, उन्होंने अगर वो अपने ऊपर प्रेशर हावी करते तो उन्होंने हार जाना था। यही पाकिस्तानी टीम को नसीहत है कि जितनी मर्जी स्ट्रॉन्ग टीम हो, अपने ऊपर उनका प्रेशर ना ले, जैसे वो प्रेशर लेंगे वो फिर डाउन हो जाएंगे। क्या लगता है कि अगर पाकिस्तानी टीम इस स्टेज पे होती कि लाइक कल इंडिया जीता है, आज मेरे पे प्रेशर है, मैंने अपनी रन रेट को बेस्ट करना है, तो पाकिस्तान वो ऐसा परफॉर्म कर पाता? मेरे नजदीक नहीं, क्योंकि पाकिस्तान के कुछ खिलाड़ी, कुछ प्लेयर ऐसे हैं जो डाउन हो जाते हैं प्रेशर से, ठीक है, बाकी आगे वर्ल्ड कप आ रहा है, उम्मीद तो हमारी यही है कि बहुत पाकिस्तानी होने के, पाकिस्तान ही जीते वर्ल्ड कप। बाकी सर ये तो हमारी दिल की दुआएं है ना कि पाकिस्तान जीते, लेकिन ओवरऑल परफॉर्मेंस देखने के बाद क्या लगता है आपको, कौन वर्ल्ड कप जीतेगा? सूरत हाल तो मुझे इंडिया की लग रही है, बाकी हमारी दुआएं कि पाकिस्तान जीतेगा, क्योंकि हम पाकिस्तान के शहरी हैं, मुहिब्बुल वतन है। बाकी मेरी पाकिस्तानी क्रिकेट को नसीहत यही है कि यार जितना मर्जी मैच हैवी हो जाए, जितनी मर्जी स्ट्रॉन्ग टीम हो, अपने ऊपर प्रेशर न रहे, रिलैक्स हो के माइंड रिलैक्स करके खेलेंगे, उनसे स्कोर स्कोर। सर आपने प्रेशर की बात की, इसी में बात कर लो, हमारे जो कैप्टन है बाबर आजम साहब, ठीक है, हमारी पूरी टीम उन पे रिलाई करती है। दूसरी तरफ देख लो, आज रोहित शर्मा ने 130 प्लस की इनिंग खेली, ठीक है, एक कैप्टन इनिंग खेली उन्होंने, हमारे बाबर आजम साहब ने 2 मैच खेले, दोनों में 5 स्कोर, 1 में 10 स्कोर बनाए। क्या लगता है कि कहीं ना कहीं पे बाबर आजम इस टाइम कम जा रहा है? बहुत ज्यादा कम जा रहा है। क्या वजह उसकी? उसकी वजह ये है कि जिस तरह कल वो 5-10 पे ही आउट हो गए। हाँ बिल्कुल, ठीक है, अगर उन्होंने, आपने बात प्रेशर की, अगर वो अपने ऊपर प्रेशर ना लेते, मे बी वो जिस तरह कल जीते हैं, मे बी वो स्कोर कर सकते, वो सेंचुरी कर सकते थे, लेकिन आज उन्होंने अपने ऊपर प्रेशर नहीं लिया, आज देखे वो इंडिया जीत गया। सर भारत ने इतना खूबसूरत आज खेला, तकरीबन 20 से 30 ओवरों के दरमियान में उन्होंने वाइंड अप कर दिया। मुझे ये बताएं कि अब 14 तारीख को पाकिस्तान और इंडिया का बहुत बड़ा टकराव है, ठीक है, कौन विन करने वाला?
हमारी तो दुआएं यही है कि पाकिस्तान, हम तो दुआ कर ही सकते हैं ना, हमारी दुआएं निकलती हैं। मेरे नजदीक जो इंडिया की सिचुएशन जा रही है, इंडिया जीतेगा। बाकी पाकिस्तान टीम पे डिपेंड है, हमारी दुआएं है, अल्लाह हमारी दुआएं कबूल करेगा, पाकिस्तान जीत। सर हम लोग बगैर सोचे एक बात कह देते हैं, पाकिस्तान इंडिया का मैच तो इंडिया जीतेगा, पाकिस्तान क्यों नहीं कहते हम कि पाकिस्तान जीतेगा? परफॉर्मेंस के लिहाज से, परफॉर्मेंस के लिहाज से। ये देखिए अब बात वहीं पे प्रेशर की आ गई, ये प्रेशराइज हो जाते हैं, ये स्ट्रॉन्ग टीम देख के प्रेशराइज हो जाती है। वो आज इंडिया जितनी मर्जी स्ट्रॉन्ग टीम थी, उन्होंने प्रेशराइज नहीं हुए, वो आसानी से मैच खेलते रहे, जीत गए। सर हमारी जो टीम, ये अपने ऊपर प्रेशर ले जाते हैं। हमारी जो टीम वर्ल्ड कप के लिए गई है, खुश है उससे? हाँ जी, बहुत ज्यादा। और इंडिया की जो इस टाइम टीम वर्ल्ड कप के लिए, उससे खुश है? उससे भी खुश हूँ, क्योंकि आखिरकार किसी ने तो जीतना है ना। हाँ। बाकी 14 तारीख को पता लग जाएगा कि कौन कितने पानी में है। सर आपको क्या लगता है, इंडिया की बाउंड्री, इंडिया का ग्राउंड, इंडिया की टीम, हम फिर भी जीत पाएंगे, क्राउड भी इंडिया का? इंशाल्लाह जीत जाएंगे। सर अफगानिस्तान हमेशा पाकिस्तान के खिलाफ जो है वो इस तरह खेलता है जिस तरह इंडिया के साथ खेल रहे हैं हम, लेकिन आज अफगानिस्तान कहीं पे हमें नजर नहीं आया कि वैसा जोश उनके अंदर नजर आया, क्यों? कि अफगानिस्तान भी हमारे साथ जो है वो दुश्मनी लगाने लग गया, क्योंकि इस पे आप कह सकते हैं कि वो वही बात कि इंडिया की सरजमीन, इंडिया का क्राउड, वो प्रेशराइज हो गए थे, इंडिया वाले, इंडिया अफगानिस्तान वाले प्रेशराइज हो गए, इंडिया ने अपने ऊपर प्रेशर नहीं लिया क्योंकि उनको पता था कि हम स्कोर कर मतलब के इंडिया के मैच के अलावा सारी ऑडियंस जो है हर मैच में पाकिस्तान का साथ देगी, तो आपको लगता है पाकिस्तान हर मैच इंडिया के अलावा, अगर इंडिया से नहीं जीत पाता उसके अलावा सारे मैच जीत पाएगा? इंशाल्लाह लगता है, मेरा माइंड 70% 80% इस बात पे एग्री है कि अगर जीत जाएगा। ठीक हो गया सर, रोहित शर्मा ने आज 130+ किया है, क्या कहेंगे उसे? अच्छी उसकी इनिंग्स थी, बैटिंग अच्छी थी उसकी, वो अच्छा खेला है। मतलब सर मेरी तरफ से अगर मैं कहूं बाबर आजम और रोहित शर्मा बेस्ट कैप्टन कौन है, कौन किसको कहेंगे? यार इंग्लिश नारा करो नहीं क्या, थोड़ा सा करना पड़ेगा आपको, परफॉर्मेंस देखनी है हमने पाकिस्तान इंडिया ने देखना, परफॉर्मेंस देखनी है, परफॉर्मेंस के लिए हाजिर तो रोहित शर्मा।